नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा पित्त की जो पथरी होती है, पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, उसमें आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। दोस्तों, पित्त बाइल सेगमेंट से बनता है और कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, तो इसमें हमें ऐसा खाना खाना है जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े, ब्लड का जो हमारे बाइल का जो फ्लू है वो अच्छे से रहे और हमारी पथरी खुले, घुल के वो सतही निकले। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको कुछ परहेज बता रहा हूँ। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ जैसे तला हुआ भोजन, फ्राइड चिप्स, मांस, बीफ और आपको अंडे का योर्क आपको नहीं लेना है। दूसरे नंबर पे आपको डेयरी प्रोडक्ट जो दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, तेल, नारियल तेल का आपको परहेज करना है। और बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन जिसमें बहुत ज़्यादा तला होना, तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोभी, फूलगोभी, शलजम, सोडा आदि नहीं लेना है। शराब का परहेज कीजिए, शराब ना लें बिल्कुल। शराब हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है जिससे कि बाइल के प्रोडक्शन में जो हेल्दी बाइल होता है वो अच्छा हेल्दी बाइल प्रोडक्ट नहीं होता है। और क्या खाएं, आइए बात करते हैं क्या खाने के लिए। इसमें पपीता, सेब, भिंडी, शकरकंद आदि आप फल ले सकते हैं। फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। इसमें दोस्तों आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है, फैट कम लेना है, जिसमें कि ब्रेड, चावल, दाल, आलू, चपाती, केले आप ले सकते हैं। रेशे की अधिकता वाले खाद्य पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिसमें फली, फल, जई आदि आ जाता है। और पानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, दिन भर में 10 से 15 गिलास आप पानी पिए, ताकि बाइल जो हमारा सिक्रेट हो रहा है वो पतला रहे, गाढ़ा ना बने, जिससे कि वो जमे नहीं। खाने में आप तरल जो बहुत पदार्थ होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो ये दोस्तों पित्त की थैली में कुछ कॉमन परहेज मैंने बताएं। बहुत ज़्यादा तले बनेगा नहीं, आपको तला होना आपको कम से कम लेना है। और इसमें होम्योपैथी की एक रेगुलर कंपनी की R7 ड्रॉप आती है, R7 ड्रॉप। R7 ड्रॉप बहुत अच्छी दवा काम करती है, वो बाइल के फ्लो को, हेल्दी बाइल जो होता है उसका सेक्रेशन बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।